हेलो एवरीवन, द जीनियस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। फ्रॉम वेरी बेसिक, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, एंड उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। लाइक अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसमें से 1 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, 3 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर मान लो कोई कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, टेल आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है ना? तो इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बट हम लोग स्टडी करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। अगर मान लो कि हम लोग कुछ क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, क्वाइन टॉस करने से क्या आता है, हमें या तो हेड मिलता है या टेल मिलता है, यानी कुछ वेल डिफाइंड आउटकम आना चाहिए, दैट उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच परफॉर्म्स और रिपीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट। ठीक है ना? मतलब वैसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें आउटकम पता है और ऑलमोस्ट आउटकम उसी के नजदीक आएगा। जैसे अगर हम लोग मान लो कोई केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कोई केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया तो कुछ आउटकम आया। ठीक है ना? सेकेंड टाइम अगर ट्राई करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को, अगर दोबारा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट उसी के जैसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना? क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि सिमिलर कंडीशन होना चाहिए। मतलब जितने टेम्परेचर, जितने प्रेशर पे हमने रिएक्शन या जो भी कराया है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, देन आउटपुट भी क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा। ठीक है ना? और ये जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उस टाइम सेम मिलेगा। बट इन केस ऑफ टॉस, है ना, अगर हम लोग टॉस करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार टॉस किए तो हेड आया तो नेक्स्ट टाइम भी हेड ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है टेल आए, या हो सकता है हेड आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? इसलिए डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, जिसमें हमें आउटकम ऑलमोस्ट पता होता है, और ऑलमोस्ट पता है, और जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे बार बार उसके आसपास ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करते हैं वो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, है ना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेड अंडर सेम आइडेंटिकल कंडीशन बट रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज सेम। एग्जाम्पल टॉस क्वाइन, क्लियर है? अगर हम टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है कि टेल आ जाए, या हो सकता है कि हेड आ जाए। बट अगर मान लो फर्स्ट टाइम टेल आया है, तो जरूरी नहीं है कि सेकेंड टाइम अगर टॉस करेंगे तब भी टेल ही आएगा, है ना। बट एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट था, उस केस में क्या था कि वैल्यू सिमिलर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में अक्सर बोला जाता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? तो हुज आउटपुट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। जैसे हम मान लो कि अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, है ना, किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मान लो कोई डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं या रोल करते हैं, तो हमें क्या पता है कि या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इसी में से कुछ आएगा, है ना। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना? उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, तो मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, तो उससे जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, लाइक अगर हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, एक सिंगल क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर समझते हैं कि एक सिंगल क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या फिर
टेल आएगा, ठीक है ना। देन अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वन हेड और टेल, ये हमारा क्या हो गया पॉसिबल आउटकम, और इसी पॉसिबल आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्लियर है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइट सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग थ्री कॉइन्स, ठीक है ना। अब थ्री कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, तो ये देखते हैं। अगर हम थ्री कॉइन को टॉस करेंगे है ना, यानी टोटल हमारे पास थ्री कॉइन होंगे, तो हो सकता हैड हेड हेड, तीनों में हेड आ जाए है ना, या हो सकता हैड हेड टेल आ जाए है ना, और क्या हो सकता है, हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, और क्या हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, और क्या हो सकता है कि आ जाए टेल टेल एंड हेड आ जाए, ठीक है ना, और क्या हो सकता है कि टेल 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 आ जाए है ना, या फिर हो सकता है कि हेड सॉरी टेल टेल हेड और टेल आ जाए है ना, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए है ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल है। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सैंपल स्पेस हो गया है ना। अगर सिंपल सा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि अगर थ्री क्वाइंस हो, ठीक है ना, टोटल अगर मान लो एन क्वाइंस हो, एन क्वाइंस हो, देन एन क्वाइंस के लिए जो सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 to the power n हो जाएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या था 3, देन सैंपल स्पेस कितना होगा 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अब देखो 8 टोटल सैंपल स्पेस आ गया था ना। क्लियर है। अब जो एक नेक्स्ट टर्म है इवेंट, इवेंट क्या हुआ, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। एक बात चीज और कि सैंपल स्पेस को हम लोग एस से जनरली डिनोट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, इवेंट क्या होता है। तो इवेंट क्या हुआ, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम लोग ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया है, अबव एक्सपेरिमेंट किया है, गेटिंग वन हेड इन अबव एक्सपेरिमेंट, तो वन हेड हमारे पास कहाँ कहाँ मिल सकता है इसमें आप देखोगे तो वन हेड कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देखो वन हेड ये हो गया और ये हो गया है ना। तो गेटिंग वन हेड इन अबव एक्सपेरिमेंट, तो अबव एक्सपेरिमेंट हमें हेड क्या मिलेगा, या तो टॉस में टी एच टी आ जाए, या फिर एच टी टी आ जाए है ना। तो हमें क्या हो गया, ये हो गया इवेंट है ना, जो हमें रिक्वायर्ड है। सिंपल है, अगर मान लो टॉस कर रहे हैं या कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं जो भी आ सकता है उस एक्सपेरिमेंट से, वो सारा हो जाएगा सैंपल स्पेस, और जो हमें रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा इवेंट, ठीक है ना। जैसे इवेंट हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे गेटिंग वन हेड इन अबव एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास यही दोनों पास इवेंट्स हैं, तो ये हो गया हमारे पास इवेंट। क्लियर है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। देखो सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स हो गया, जैसे मान लो कि हम लोग दो कॉइन का टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, टू कॉइन से टॉस कर रहे हैं, और टॉस करने के बाद हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये होगा टू कॉइन है तो 2 to the power 2 यानी 4 सैंपल स्पेस, तो हमारे पास 1 2 3 4, टोटल 4 सैंपल स्पेस हो गया। अब एक इवेंट है E1, जिसमें क्या बोला जाए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन बोथ क्वाइंट है ना। हो सकता है कि जो दो क्वाइंट टॉस कर रहे हैं तो दोनों पे क्या हो जाएगा टेल और टेल आ जाए, ठीक है। और एक है इवेंट जिसमें गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, अगर एक टेल, अगर मान लो एटलीस्ट वन टेल, हो सकता है कि दो टेल भी आ जाए, तो हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा एच टी वन टेल होना चाहिए, या फिर टी एच या फिर टी टी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इवेंट है ना, कंपाउंड इवेंट, जिसमें हम लोग टेल के बारे में क्या, यहाँ पे टेल क्या था एटलीस्ट वन टेल, तो टेल तो आ रहा है बट दो भी हो सकता है, यानी इस वाले केस में क्या था
दोनों केस में हमारे पास टेल और टेल आ रहा था, ठीक है ना। तो इस वाले इवेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट, और इस वाले को बोलेंगे कंपाउंड इवेंट, यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा इवेंट मिला हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। क्लियर है? ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है इक्वली और लाइकली इवेंट, है ना। इक्वली और लाइकली इवेंट क्या होता है? तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली और लाइकली इफ चांस ऑफ देयर अकरेंस इज सेम और इक्वल, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इक्वली और लाइकली इवेंट क्या हो गया कि अगर हम लोग मतलब उस एक्सपेरिमेंट को करें, तो जो इवेंट आएगा उसमें क्या होगा, आउटकम आने का पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों में सेम होगा। जैसे मान लो एक क्वाइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है। इस क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जितना चांस टेल आने का है उतना ही चांस क्या होगा, यहाँ पे हेड आने का होगा। इसी तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली और लाइकली इवेंट। जैसे मान लो कि अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे, तो डाइस को थ्रो करने के बाद क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 3 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, 3, तो जो 3 आने की पॉसिबिलिटीज होगी सेम पॉसिबिलिटी सबका, जितने भी इवेंट्स 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का, हर एक डिजिट आने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली और लाइकली इवेंट। क्लियर है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम लोग सीखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट, इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ नथिंग एल्स कैन अकर बियॉन्ड देम, ठीक है ना। मतलब नथिंग कैन अकर बियॉन्ड देम, जैसे यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन इक्वल इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक इवेंट है जिसमें मान लो कि इवेंट नंबर का सेट है, ठीक है ना। ये हमारे पास इवेंट सैंपल स्पेस हो गया, और इवन इवन आने की जो इवेंट इवन है, इसमें मान लो 2 और 4 आता है, ठीक है। वैसे ही E2 आ रहा है, मान लो कोई इवेंट है जिसमें 6 और 8 ला रहे हैं, और अगेन E3 है, इसमें क्या हो गया 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, E1 और E2 क्या होगा, एग्जॉस्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का यूनियन अगर हम लेंगे, इन दोनों सेट का अगर यूनियन लेंगे, E1 यूनियन E2, है ना, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है ना। इसका मतलब अगर किसी भी दो इवेंट का अगर हम लोग यूनियन लें, किसी भी दो इवेंट का अगर यूनियन लें और सैंपल स्पेस हमें मिल जाए, यानी देखो आप E1 और E2 का यूनियन क्या मिल गया, जो हमारे पास सैंपल स्पेस था वो मिल गया। अगर दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस मिल जाए देन क्या होगा, वो एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब जैसे देख लो आप E2 एंड E3 को देख लो, E2 एंड E3, है ना। E2 एंड E3 का अगर यूनियन आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6,8, जो कि सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, इसलिए इवेंट E2 और E3 क्या होगा, एग्जॉस्टिव नहीं होगा, है ना। अगर मान लो हम बात करते E1 एंड E3 का, E1 एंड E3 का, तो E1 एंड E3 भी एग्जॉस्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि E1 और E3 का अगर हम लोग यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6, जो कि सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, इसलिए वो एग्जॉस्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दो इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए देन वो एग्जॉस्टिव होगा, नहीं तो एग्जॉस्टिव नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो समझते हैं टॉपिक, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और
डिसज्वाइंट इवेंट है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सॉरी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड डिसज्वाइंट इवेंट, ठीक है ना। तो टू इवेंट्स कैन नॉट अकर टूगेदर, दैट इज देयर इंटरसेक्शन इज नल। मीन्स अगर मान लो हम क्वाइन को टॉस किए, तो क्वाइन को टॉस करने के बाद क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। क्लियर है? इसका मतलब ये कहे, अगेन इसमें भी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि S1 क्या है, 2, 4, 6, 8 है। अब हमारे पास इवन इवेंट मान लो कोई 2 और 4 है, E2 इवेंट मान लो हमारे पास क्या है 6, 8 है, और एक इवेंट E3 है जिसमें क्या है 6 है। क्लियर है? अगर हम बात करें E1 एंड E3 की, है ना, तो E1 इंटरसेक्शन अगर E2 निकालें, है ना, E1 इंटरसेक्शन E3 निकालते हैं, E1 इंटरसेक्शन E3 क्या हो जाएगा, इसमें 2, 4 है और इसमें 6 है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नल आ जाएगा, नल सेट आएगा, फाइ, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो E1 और E2 में कॉमन है, E1 और E3 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। क्लियर है? जहां पे E1 और E3 का क्या हो जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब E1 और E3 जो दोनों इवेंट होगा, ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, है ना। ऐसे इवेंट जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, है ना, ये इवेंट अपना अलग है और ये इवेंट अपना अलग है। वही अगर बात करेंगे हम लोग E1 और E2 की, E1 और E2, E1 एंड E2, तो ये भी क्या होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा, है ना, या डिसजॉइंट होगा, क्योंकि इसमें देखो आने का क्या है 2 और 4 और इसमें क्या है 6 और 8, तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5, यानी नल होगा। बट अगर हम बात करें E2 एंड E3 की, E2 एंड E3 में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, है ना। तो E2 एंड E3 हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट्स जो ऐसे दो इवेंट्स जो एक दूसरे से अलग हो, है ना, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे ना हो और दूसरे का इफेक्ट पहले पे ना हो, तो वैसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और डिसज्वाइंट इवेंट। सिंपल समझे, अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन नल आ रहा है, देन वो होगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। अगर दो इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस आ जा रहा है, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर है? तो ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। आइए फिर समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट समझते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। तो दो इवेंट E1 एंड E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ अदर, है ना। यानी एक के होने की, अगर मान लो एक इवेंट हो रहा है तो इसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि दो अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया गया, अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है एक में टेल आएगा, एक में हेड आएगा, है ना। हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में टेल आ जाए, यह भी हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या फिर क्या पॉसिबल है कि एक में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए, ठीक है। यहां पे हम लोग को क्या समझना है कि जैसे मान लो कि E1 इवेंट है, गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, यानी फर्स्ट कॉइन में हेड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और E2 गेटिंग हेड ऑन सेकेंड कॉइन, E2 हमारे पास ये फर्स्ट कॉइन ये हो गया और ये हो गया हमारे पास सेकेंड कॉइन, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट में हेड आ रहा है तो सेकेंड में क्या कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। तो ये दो जो इवेंट है दोनों क्या हुआ, अलग अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि हेड आएगा तभी यहां पे हेड आएगा, नहीं है,
है ना, क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट में टेल आया तब भी यहाँ पे हेड आ सकता है। तो ये दोनों इवेंट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। अगर हम फर्स्ट कॉइन को टॉस नहीं भी करेंगे तब भी हमारा हेड या टेल आ सकता है ना, या फिर सेकेंड कॉइन को अगर टॉस नहीं करेंगे तो तब भी फर्स्ट में हेड और टेल आ सकता है। तो ये दोनों इस तरह के इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। डिपेंडेंट इवेंट मतलब वैसे इवेंट्स, लेट E1 E1 एंड E2 आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ अदर, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल, इसमें कार्ड ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग एंड बॉल ड्रॉ ड्रॉ फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। सिंपल समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बैग है, मान लो हमारे पास एक बैग है, ठीक है ना। इस बैग में मान लो कि 2 रेड बॉल है एंड 3 ब्लू बॉल्स है, ठीक है ना, 2 रेड एंड 3 ब्लू बॉल, क्लियर है। अब जैसे मान लो कि एक बॉल को इसमें से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक बॉल को इसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड कलर का होगा, है ना। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो बॉल निकालने वो रेड कलर का होगा, ठीक है ना। अब मान लो कि इससे हम लोग बॉल निकालेंगे तो हमारे पास टोटल कितना है, 2 रेड बॉल है 2, और टोटल कितना है हमारे पास 5, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम लोग बॉल निकालेंगे वो रेड कलर का ही होगा, ठीक है। अब बात यहां पे आती है कि जैसे मान लो कि फर्स्ट बॉल हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अब फर्स्ट बॉल निकाले, अब मान लो सेकेंड बॉल निकाल रहे हैं, अगर इस बैग से अगर हम सेकेंड बॉल निकालें, सेकेंड बॉल निकालने की पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, वो ब्लू कलर का हो, है ना। क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो ब्लू कलर का हो। अब देखो यहां पे दो केसेस हैं, एक केस क्या हो सकता है कि हमने इस एक बॉल को निकाला और वो रेड नहीं था, तो इसको क्या किए, फिर से वापस इसमें रख दिए, ठीक है ना। क्या किए, एक बॉल को निकाले वो रेड नहीं था तो क्या किए, उसको इसमें डाल दिए, ठीक है ना। जैसे इसमें डाल देंगे तो हमारा नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, अभी भी सेम रहेगा, है ना। जैसे मान लो कि टोटल 5 बॉल्स था, 5 बॉल में से एक बॉल निकाले तो टोटल 4 बॉल हो गया, लेकिन हमें पता चला कि एक जो बॉल निकाले हैं वो रेड कलर का नहीं है, तो क्या किए, फिर से इसमें डाल दी, यानी अगेन 5 बॉल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अगर मान लो अगर फिर से आप सेकेंड ड्रॉ करें, अगर सेकेंड ड्रॉ करेंगे तो जो ब्लू निकालेंगे तो ब्लू कितना है हमारे पास, 3, और टोटल कितना हो जाएगा 5, यानी अभी भी टोटल कितना था, 5 ही था। बट इन केस अगर मान लो हम लोग रिप्लेस नहीं करते, यानी एक बॉल जो था, एक बॉल अगर हम निकाल लेते फिर उसको वापस नहीं डालते, ठीक है ना, एक बॉल निकाल दिए फिर उसको वापस नहीं डालते, तो क्या होता कि अब हमारे पास यहाँ पे बॉल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाता, कम हो जाता, है ना। यानी नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाता, अब 4 हो जाता, और हमें निकालना क्या है, ब्लू कलर का, तो ब्लू हमारे पास 3, देन इसकी पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज क्या होती, 3/4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों इवेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, क्लियर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय एन एस, है ना। यानी हमारे पास जो भी इवेंट्स है उसको अगर हम सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे, वही हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हो गया, पीई क्या जाएगा, एनई यानी इवेंट्स डिवाइडेड बाय एन एस, जो कि अभी हमने जस्ट इसके पिछले में यूज करा था ना। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, इस वाले में टोटल बॉल कितना हो गया, 5, तो हमारे पास 5 हो गया,
सैंपल स्पेस, और कितने ब्लू निकालने, ब्लू कलर के तो 3 हो गए, तो ये हमारे पास इवेंट्स हो गया, तो 3/5 कर दिया था, ठीक है ना। तो यही चीज यूज करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो गया NE/NS। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 अनबाइस्ड क्वाइन आर टॉस्ड वंस, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑल हेड्स, है ना। क्या हमारे पास गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑल हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अनबायस्ड क्वाइन का मतलब क्या हुआ, अनबायस्ड क्वाइन मतलब एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल होगा, है ना। एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगा, इस तरह के क्वाइंस को हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड, है ना। यानी हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है ना। अब 3 क्वाइंस को टॉस कर रहे हैं, तो अगर 3 क्वाइंट को हमने टॉस किया तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होता है, सैंपल स्पेस। यानी अगर हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 क्वाइन है, देन 2 to the power 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 होना चाहिए, है ना। तो 8 सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, क्या हो सकता है कि हेड हेड और टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि हेड टेल और हेड आ जाए, है ना। या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है कि टेल हेड हेड आ जाए, और क्या पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज है कि एक में हेड आ जाए और बाकी दोनों में टेल आ जाए, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है कि टेल हेड और टेल आ जाए, ठीक है ना। या हो सकता है कि दोनों में टेल और एक में हेड आ जाए, या हो सकता है कि सब में टेल आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखेंगे, तो एनएस क्या हो गया, 8, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि ऑल हेड्स चाहिए। तो अब हमें मान लो अगर फर्स्ट के लिए देखें तो ऑल हेड्स, ऑल हेड्स का मतलब इवेंट होना चाहिए इवन जिसमें सारा हेड है। तो सारा हेड इसमें कहाँ पे आ रहा है, आप देखो ये है ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, यानी इवन क्या हो जाएगा, एच एच एच। तो एन इवन क्या हो जाएगा, 1, एक ही है ना इवेंट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाले, अगर इवन की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, एन इवन डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा ऑलवेज 1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है इसका मतलब आने के चांसेस क्या हो गए, 100%, ठीक है। चलिए अब इसमें हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, 2 हेड्स, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 2 हेड्स। तो आप देखोगे 2 हेड्स किस में आ रहा है, आप देखो, एक ये है और ये है और तो कहीं नहीं है। यानी अगर हमारे पास 2 हेड्स निकालना है तो 2 हेड्स के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 2 / टोटल 8, यानी 1/4, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/4, क्लियर है। उसके बाद 1 हेड, है ना, थर्ड में क्या बोल रहा है, 1 हेड आना चाहिए। तो 1 हेड देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, 1 हेड आप देखो कहाँ कहाँ है, 1 हेड 1, 2, सॉरी ये नहीं है, 1, 2, 3, यानी टोटल हो गया 3, और यहाँ पे कितना है टोटल सैंपल स्पेस, 8, तो 3/8 हो गया, है ना। अब फोर्थ नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, है ना। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा हेड आ सकता है, ठीक
ठीक है ना, तो एटलीस्ट वन हेड क्या हो जाएगा, तो ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हेड आ ही नहीं रहा है। तो टोटल कितना हो गया, सेवन। तो ये हो जाएगा सेवन डिवाइडेड बाई एट, तो ये हो गया आंसर, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ नंबर बोल रहा है एटलीस्ट, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू हेड, एट लिस्ट टू हेड, है ना। तो एटलीस्ट टू हेड मतलब दो हेड तो आना ही आना है, दो हेड तो आना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इवेंट की बात करें तो दो हेड आप देखो कहाँ कहाँ है, एक तो ये भी कंसीडर होगा इसमें ब्लैक, ये कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा, दो हेड इसमें भी है, दो हेड इसमें भी है, दो हेड और कहाँ है, बस इतना ही है। यानी एन ई हो जाएगा हमारे पास फोर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फोर बाई एट, यानी इसको कैंसिल कर दे तो आ जाएगा वन बाई टू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से, ठीक है। इसके बाद फिर से लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर फोर। अब देखो हमारे पास क्या है, एक डाइस है, अगर डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल में क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव या सिक्स, यही आ सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा, है ना। अब इस वाले में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द नंबर इज फोर, है ना, कि प्रोबेबिलिटी आना चाहिए फोर आना चाहिए। तो फोर के लिए हमारे पास देख लो फोर कितने बार आ सकता है, एक बार। तो यहाँ पे एन एस कितना हो गया, सिक्स, तो फोर एक बार आएगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, वन, और नीचे हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, सिक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई सिक्स, ठीक है ना। सेकेंड क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर, सेकेंड में क्या है, इवन नंबर लाना है। तो इवन नंबर यहाँ पे क्या है, टू फोर और सिक्स, इवन नंबर क्या है, टू फोर सिक्स, यानी कितना हो गया, थ्री, और हमारे पास सैंपल स्पेस सिक्स है, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए नंबर लेस देन फाइव, तो फाइव से कम, तो पांच से कम क्या हो सकता है, एक दो तीन चार, है ना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, टोटल टोटल कितना हो जाएगा, फोर, और सैंपल स्पेस है सिक्स, यानी टू बाई थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन फोर, अब चार से बड़ा, तो चार से बड़ा क्या हो सकता है, चार से बड़ा क्या होगा बताओ आप, फाइव और सिक्स, तो दो है, तो टू, और टोटल हमारे पास है सिक्स, कितना जाएगा, वन बाई थ्री, क्लियर है। वैसे ही फाइव, द नंबर इज एट, तो नंबर इज एट, यानी एट हमारे पास कैसे नंबर आएगा, तो एट कितने बार आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, तो जीरो, और हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है, सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कभी भी एट आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद सिक्स है हमारे पास, नंबर लेस देन एट, तो लेस देन एट क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, और सिक्स भी हो सकता है, यानी टोटल हमारे पास सिक्स हो जाएगा, और सैंपल स्पेस सिक्स दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन। इस तरह से हम लोग ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इलेवन ट्वेल्थ इनफैक्ट टेंथ क्लास में भी इस तरह इस लेवल तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपके लिए ये आप इसका देख सकते हो फिर से, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्लेइंग कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी में हम लोग आगे फर्दर
जो भी सिलेबस में होगा या जो भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स करेंगे। ओके, फिलहाल तभी के लिए थैंक यू।